साथियों, सरकार पर, सरकार की व्यवस्थाओं पर, सरकार के डिलीवरी मैकेनिज्म पर किसी समय देश का जो भरोसा उठ गया था, 2014 के बाद जनता जनार्दन के आशीर्वाद से भाजपा सरकार उसे वापस लेकर आई है। आज गरीब से गरीब भी ये नहीं सोचता कि ये सरकारी योजना तो सिर्फ सिफारिश वालों के लिए है, जान पहचान वालों के लिए है, जो रुपये पैसे खर्च कर सकता है उनके लिए है। आज वो अपने आसपास लोगों को योजनाओं का लाभ मिलते देख रहा है, वो आज बहुत विश्वास से कहता है कि एक ना एक दिन मुझे भी इस योजना का लाभ अवश्य मिलेगा, और ये बात वो विश्वास से कहता है। और साथियों, इसलिए इस बार आपको याद होगा, मैंने 15 अगस्त को लाल किले से 100% लाभार्थियों तक पहुंचने की बात की थी। काम कठिन है, मैं जानता हूं, देश बहुत विशाल है, जिम्मेवारियां बहुत बड़ी हैं, कई काम है जिसमें राज्य सरकारों पर डिपेंडेंट है, कई काम है जिसमें स्थानीय स्वराज के निकायों पर डिपेंडेंट है, भांति भांति के प्रभाव भी हैं। उसके बावजूद भी साथियों, जब ये ठान लेंगे कि हमें हर लाभार्थी तक पहुंचना है, एक भी व्यक्ति के छूटने की गुंजाइश को समाप्त कर देना है, तो तय लक्ष्य तक जरूर पहुंचेंगे। और इसके लिए मैं लगातार एक बात सरकारी अधिकारियों से, अन्य राज्य सरकारों से करता रहता हूं, सैचुरेशन की बात करता हूं। सैचुरेशन का ये सिर्फ पूर्णता का एक आंकड़ा भर नहीं है, लेकिन जब हम सैचुरेशन की बात करते हैं, सैचुरेशन पर बल देते हैं, तो ये भेदभाव, भाई भतीजावाद, तुष्टीकरण, भ्रष्टाचार के चंगुल से देश को बाहर निकालने का माध्यम है। भारत के सामान्य नागरिक को सरकारी दफ्तरों के चक्कर से मुक्ति दिलाने का जो अभियान बीते 8 साल से देश में चल रहा है, सैचुरेशन का अभियान उसको और सशक्त करेगा।